Hello friends, welcome back to my YouTube channel Shoshiyadu. In this video, we are going to continue our November 8th article, article number 62. Our article is Air Force error allowed Texas church shooter to buy guns. अभी आपको recently केस पता होगा कि टेक्सास में चर्च के ऊपर हमला हुआ जिसमें करीब 26 लोग मारे गए. इसमें गलती बताई जा रही है एयरफोर्स की, बिकॉज एयरफोर्स ने उस व्यक्ति का राइफल खरीदने का जो लाइसेंस है और जो कंडीशंस हैं वो रद्द नहीं की थी. लेट्स सी व्हाट्स द मैटर इज. फर्स्ट लेट मी रीड आउट द फर्स्ट पॉइंट. आफ्टर अ गनमैन मास्कड पारिशनर्स इन अ स्मॉल टेक्सास चर्च, the Air Force admitted that it had failed to enter the man's domestic violence court-martial into a federal database that could have blocked him from buying the rifle he used to kill 26 people. Actually, जिस person की बात कर रहे हैं, जिसने हमला किया है टेक्सास के चर्च पे, वो एयरफोर्स में रह चुका था बट उसने जो है अपनी वाइफ के ऊपर जो है डोमेस्टिक वायलेंस किया था एंड साथ ही साथ अपने स्टेप सन को भी मारा था, जिसकी वजह से उसको एयरफोर्स से निकाल दिया गया. बट मिस्टेक ये हुई कि एयरफोर्स ने जो है उसको कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हैं द मैन्स डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट मैटर इन टू द फेडरल डेटाबेस दैट कुड हैव ब्लॉक्ड हिम, बट एयरफोर्स जो है उसे रोक सकती थी कि वो अब नेक्स्ट टाइम अपनी राइफल का या फिर गन का यूज नहीं करेगा. बट एयरफोर्स की इस गलती की वजह से उसके पास फिर भी वह अधिकार रहा कि वो राइफल या गन खरीद सकता था, और उसने वो खरीदे और उसकी वजह से 26 लोग मारे गए. सेकेंड इज The Air Force has launched a review of how the service handled the criminal records of former airmen. जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है डेविन पी कैली, following his 2012 domestic violence convention. जो उसने ये domestic violence convention किया था वो 2012 में किया था, जिसकी वजह से उसको Air Force से निकाल दिया गया था. But जैसे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया और यहाँ कहीं ना कहीं एयरफोर्स की गलती की वजह से जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति राइफल या गन नहीं खरीद सकता है वो ढंग से नहीं देखी गई और उसने जो है हमला कर दिया. थर्ड पॉइंट इज दैट क्या कंडीशन है जो किसी व्यक्ति को गन हुआ या राइफल हुआ उसको खरीदने से रोकती है. देन फेडरल लॉ लिस्ट्स 11 क्राइटेरिया That would ban someone buying a gun. Federal law जो है उसमें करीब ऐसे 11 criteria हैं, 11 ऐसे कुछ कारण दिए हैं कि ये reasons अगर किसी व्यक्ति पर लागू होते हैं तो वो जो है gun नहीं खरीद सकता है. So this was our article. Now what was the statement of Trump? क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज है, सभी देशों ने अपना अपना व्यू दिया है कि किसकी गलती है किसकी नहीं है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि साउथ कोरिया गए हुए थे, उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया. उन्होंने ये बताया कि ये जो इंसिडेंट हुआ ये काफ़ी दुखद है एंड जो पॉलिसीज है, लेकिन उनका मानना है कि अगर भले ही एयरफोर्स ने उसका लाइसेंस जो है जब्त कर लिया होता या फेडरल लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसको गन खरीदने से रोक दिया होता, फिर भी ये इंसिडेंट होता. ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं ये काफ़ी नेगेटिव स्टेटमेंट है. सो इसमें अगर टोन की बात करें तो काफ़ी नेगेटिवली साउंड कर रहा है ये स्टेटमेंट. एंड साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा उनसे कि क्या जो कंडीशंस हैं और जो वेटिंग लाइसेंस वगैरह हैं गन के, तो उस पर क्या स्ट्रिक्टनेस देखनी चाहिए, उसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा उससे कुछ उसका रिलेटेड नहीं है. हो सकता है उसने केवल 26 मारे हैं, अगर उसने कुछ बड़ी प्लानिंग की होती तो वो हजारों लोगों को मार सकता था. दिस इज वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट, ये जो है ट्रंप का बयान था. और अभी पिछले ही महीने जो लास वेगास में जो हमला हुआ था उसमें भी काफ़ी सारे लोग मारे गए और
ट्रंप ने एक और जो है लाइन कही है वो कि इस इंसिडेंट के बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. दिस अगेन दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट. सो कभी भी अगर आर्टिकल्स में स्टेटमेंट्स आते हैं देन ऑब्वियसली स्टेटमेंट की पैराग्राफ वाइज वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये टोन कैसे है. तो आपको उस स्टेटमेंट को महसूस करना है, उसके जो कुछ वर्ड्स है डिफरेंट वर्ड्स ट्राई खोजने की कोशिश कीजिए. जैसे कि नेगेटिवली को और क्या मीनिंग कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग हो सकती है एंड कुछ कोई हैप्पीली साउंड कर रहा है तो उसकी क्या कुछ और कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग हो सकती है. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो टैन स्पार्क स्कॉलरशिप में आ सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आर्टिकल. इफ सो देन प्लीज टेल मी थ्रू कॉमेंट्स एंड आस्क क्वेश्चन थ्रू कॉमेंट्स एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.